इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपको बताऊंगी कि वो 10 लाख रुपए मैंने कहाँ, क्यों और कैसे खर्च किए। इसके पीछे भी एक कहानी है। रुचि कहाँ थी इतनी रात तक? वो भैया मेरी फ्रेंड है ना अनु, मैं उसके घर पर थी। रुचि 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 तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? हैं? साफ साफ बताओ मुझे कौन था वो लड़का। कौन सा लड़का? रुचि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा होती है उसके साथ। भैया वो अनु। रुचि झूठ मत बोल, मत बोल झूठ। कौन था वो लड़का आपसे मतलब? रुचि ऋषि ये क्या कर रहे हो तुम? छोटी माँ इसे पूछिए, पूछिए से कहाँ थी इतनी रात तक। रुचि रुचि तुम बता क्यों नहीं देती हो तुम कहाँ से आ रही हो? छोटी माँ मैं इन्हें बता चुकी हूँ, लेकिन अगर इन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं क्या करूँ? छोटी माँ ये सरासर झूठ बोल रही है। मैंने इसे उस आवारा लड़के अंकुर के साथ कई बार बातें करते हुए देखा है। मैंने इसे कई बार समझाने की कोशिश की है लेकिन ये मेरी बात मानती नहीं है। रुचि ये मैं क्या सुन रही हूँ? छोटी माँ वो बुरा लड़का नहीं है, और अगर है भी तो क्या मैंने उससे बात करके कोई गुनाह कर दिया? रुचि ऋषि तुम्हारा बड़ा भाई है, अगर तुम्हारी कोई बात उसे बुरी लगती है तो उसे पूछताछ करने का पूरा पूरा हक है। आखिर तुम भी उसकी बहन हो ना। बड़े भाई होने का ये मतलब नहीं कि कुछ भी सोचे समझे थप्पड़ मारते। इन्हें तो मेरा किसी के भी साथ हंसना बोलना मिलना नहीं पसंद है, तो मैं क्या करूं? ऐसी बात नहीं है रुचि। ऐसी ही बात है छोटी माँ, क्या किसी से दोस्ती करना बुरा है? किसी से दोस्ती करना बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अच्छे और बुरे दोस्त में फर्क जानना बहुत जरूरी है। इतनी समझ है मुझ में। रुचि अगर आज के बाद मैंने तुझे उस लड़के के साथ बैठे हुए या उससे बातें करते हुए देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋषि भैया पहले आप खुद को देखो। ऋषि बेटा रुचि अब बड़ी हो गई है, ऐसे में उसे डांटना या उसे थप्पड़ मारना बिल्कुल गलत है। तुम्हें जो भी बात कहनी है तुम प्यार से भी कह सकते हो ना। रुचि चलो खाना खा। अरे क्या बात है, रो क्यों रही हो तुम? बेटे क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? दादी क्या हुआ बेटा, क्या बात है? दादी ऋषि भैया ने मुझे मारा। क्या ऋषि ने तुम पर हाथ उठाया? क्यों? ये सब उर्मिला के लाड़ प्यार का नतीजा है। आने तो ऋषि को, खबर लेती हूँ मैं उसके। चलो चलो तुम खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है खाना, अब मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती हूँ। मम्मी तो पहले ही हमें छोड़ के चली गई, पापा भी अमेरिका में है, अब मैं भी कहीं चली जाती हूँ। क्या बक रही हो तुम? तुम्हारे पास तुम्हारी दादी है ना? चलो मैं ऋषि से बात करती हूँ, आओ। ऋषि रुचि पे हाथ क्यों उठाया तुमने? बहुत ज्यादा आग लगाई है तुम्हें। दादी हाथ उठाने के पीछे वजह थी। वजह थी क्या वजह थी? बहुत ज्यादा होशियार हो गया हो तुम, इतनी बड़ी लड़की पे कहीं हाथ उठाया जाता है? माँ जी दरअसल तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तुम्हारे लाड प्यार ने उसको इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है ना कि देख लेना एक दिन हम सब की नाक कटवा के रहेगा ये। माँ जी आप बेकार में बात को क्यों बढ़ा रही हैं? हाँ हाँ मैं ही तो बात को बढ़ा रही हूँ, मैं ही तुम्हारे आंखों की किरकिरी हूँ। इस घर में तुमको सबने मान सम्मान क्या दे दिया, तुम बिल्कुल हवा में उड़ने लगे। दादी आप छोटी माँ से किस तरह बात कर रही हैं? अच्छा तो अब तुम छोटी माँ की तरफदारी करोगे? हाँ बहुत बदतमीज होते चले जा रहे हो तुम, पहले भी बहुत शिकायतें सुन चुकी हूँ मैं तुम्हारी। इस घर में तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, समझे? आपको बहुत बुरा लगता हो ना मैं? हाँ तुम बुरे हो, फूल सी बच्ची पे हाथ उठाया तुमने। ठीक है ऋषि, देख लिया तुमने अपने लाड प्यार का नतीजा? हाँ मिल गई तसल्ली तुम्हें?
क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं गीता, जरूर कोई बात है, किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं गीता, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। आज पहली बार मैं आपकी आंखों में आंसू देख रही हूं। मैं कोई पत्थर की तो नहीं बनी हूं ना गीता, जो मेरी आंखों में कभी आंसू आ ही नहीं सकते। आज तक आप बड़ी बहादुरी से अपने आंसू को छिपा लेती थी, आज ऐसा हुआ क्या है जो दूसरों के आंसू पोंछने वाली खुद रो रही है? कुछ नहीं गीता, तुम जाओ, जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तो आपको खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। मुझे भूख नहीं है गीता, तुम जाओ, जाकर सबको खाना खिला दो। आप खाना नहीं खाएंगे तो घर में और लोग खा पाएंगे क्या? बात क्या हुई है मुझे तो बताइए। मैं बताती, मेरी वजह से दादी जी ने छोटी माँ को बहुत बुरा भला कहा। छोटी माँ की आंसुओं की वजह मैं हूँ। नहीं रुचि, शायद मैं ही अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरह से नहीं निभा रही हूँ, इसलिए माँ जी ने मुझे इतनी बातें सुनाई। क्या भाभी जी, आप हमेशा कहा करती हैं कि अपने से बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते, और आज खुद माँ जी की कहे का बुरा मान गई। पता नहीं क्यों आज मुझ में वो धैर्य नहीं रहा। जिन बच्चों को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, चाहती हूँ, अगर उन्हें कोई दोषी ठहराता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दोष उनका नहीं मेरा है। नहीं छोटी माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर ऋषि भैया से मैंने गलत बात ना कही होती तो ये बातें पैदा ही ना होती। मैंने आप सब लोगों का दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ रुचि, मैं तो इस बात को लेकर परेशान हूँ कि ऋषि गुस्से में घर से निकल गया है। अगर उसने कुछ गलत कर दिया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं ऋषि भैया के गुस्से को अच्छी तरह जानती हूँ, वो थोड़ी देर बाहर ठहरकर वापस आ जाएंगे। लेकिन इतनी रात के खाने के वक्त वो कहाँ गया होगा? अरे तुम लोगों ने शाहरुख की नई फिल्म देखी क्या? क्या एक्टिंग किया, मरकर भी रुला था। अरे कोई मरेगा तो रोना तो आएगा ही ना, अब टाइम बहुत हो गया, अभी चलो यहाँ से निकल लेते हैं। क्या यार, तुम तो पूरा मूड का कचरा ही कर डाले। अरे ऋषि आओ यार, तुम तो कभी आते नहीं थे यार, बैठो पियो ही क्या? नहीं यार, तुम्हें पता है कि मैं ये सब नहीं पीता हूँ। क्या बात है, कुछ टेंशन है क्या? हर टेंशन का इलाज एक पैक है। यार तुम्हें पता है कि मैं ये सब नहीं पीता हूँ यार। गुस्सा तुम करते हो? नहीं ऋषि, हम लोगों ने तुम्हें कितनी बार बुलाया मगर तुम नहीं आए। यार अगर आज आए हो तो बैठो एक आध पैक पी लो, बताओ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो अंकुर है ना। कौन, वो बाइक वाला हीरो? हाँ वो बाइक वाला हीरो। क्या करना उस बाइक वाले हीरो का? यार वो ना मेरी बहन रुचि के साथ ना, उसको ना सबक सिखाना है। चल सबक सिखाना है ना। हाँ एक पैक मार ले और तेरी टेंशन अपनी टेंशन। इतनी देर हो गई है, ऋषि अभी तक घर नहीं आया, कहाँ हो सकता है वो? हेलो नितिन। हाँ मैं ऋषि की छोटी माँ बोल रही हूँ। ऋषि तुम्हारे यहाँ तो नहीं है ना? क्या नहीं? नहीं एक्चुअली वो अभी तक घर नहीं आया ना, मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ होगा। ओके सॉरी। हाँ Thank you.
कहीं रात गिर कहाँ गया होगा। उसे इतनी भी परवाह नहीं कि उसकी छोटी माँ को उसकी चिंता हो रही होगी। कम से कम एक फोन तो कर देता। अब मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं उसका। अरे यार, यहाँ और कितनी देर तक बैठे रहेंगे, अब तो नशा भी उतर गया। अरे लेकिन तूने तो कहा था कि वो इसी रास्ते से आता है। हाँ, वो इसी रास्ते से आता, वो जरूर आएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कब तक छिपकर बैठे रहेंगे? अगर किसी परिचित ने देख लिया तो? ये झाड़ी है ना छिपने के लिए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये पक्का यकीन है ना कि वो इसी रास्ते से आता है? हाँ यार, वो जिम इसी रास्ते से आता जाता है। यार टाइम क्या हुआ है? 10 बज गए। 10, इसका मतलब वो आता ही होगा। आज उसे सबक सिखाना है। तो चिंता मत कर, उसे आने तो दे। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आज उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि वो जिंदगी भर रुचि की तरफ आग उठा कर नहीं देखेगा। 4 घंटे से भी ज्यादा हो गए और ऋषि का अब तक कुछ पता नहीं। बाबूजी को तो ये बात पता ही नहीं कि ऋषि इस वक्त घर पे ही नहीं है। कहाँ गया होगा ये लड़का? उसे घर लौटने की भी कोई परवाह नहीं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। इस वक्त घर में भी सब लोग सो रहे होंगे, मैं किसे जाकर जगाऊं? समझ में नहीं आ रहा ऋषि ने गुस्से में आकर ये कौन सा फैसला किया है। घर वापस ना आकर आखिर वो साबित क्या करना चाहता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां गया होगा वो? क्या करूं मैं? ए, गाड़ी बंद कर, बंद कर गाड़ी। उतर, चल 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 चल, गाड़ी छोड़। क्या बात? हीरो बन गया है? और क्या चाहता? हालत? बहन को छेड़ता? मेरी बहन को छेड़ता तू? हालत? बहन को छेड़ता? पुलिस! पुलिस! इसे हॉस्पिटल लेके जा। क्यों बे? दादागिरी करता है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से। चल वो लोग कौन थे? कौन थे वो लोग? अंदर बैठा इसे, बैठा अंदर, बैठा अंदर। चल बे गाड़ी से चल। हेलो। हेलो, मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर वाघमारे बोल रहा हूँ। जी बोलिए। ऋषि चौधरी आप ही के घर का लड़का है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, क्या हुआ ऋषि को? आप कौन लगती हैं उसकी? मैं माँ हूँ उसकी, छोटी माँ। छोटी माँ हो या बड़ी माँ, इस वक्त आपका लड़का हमारे लॉकअप में। लेकिन क्यों? गर्मी चढ़ गई है उसे। उसने क्या किया है? उसने किसी को जान से मारने की कोशिश की। क्या? जी हाँ, यही इन्फॉर्म करने के लिए मैंने आपको फोन किया है कि इस वक्त वो हमारी कस्टडी में। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरा ऋषि ऐसा कर ही नहीं सकता। आपका मतलब है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? देखिए मैडम, मैंने खुद उसे गिरफ्तार किया और अपनी आंखों से उसे अंकुर नाम के लड़के को मारते हुए देखा है। मैं अभी पुलिस स्टेशन आती हूँ। कोई फायदा नहीं है मैडम, इस वक्त रात बहुत हो चुकी है और जमानत भी नहीं हो सकती, और वैसे भी मैं आपको ऋषि से मिलने नहीं दूंगा। बेहतर होगा कि आप सुबह ही आए। हेलो 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 हेलो। उर्मिला, किसका फोन था? बाबूजी। किसका फोन था बेटी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बाबूजी, वो ऋषि। ऋषि को क्या हुआ? क्या हुआ ऋषि को? ऋषि पुलिस स्टेशन में बंद है बाबूजी। क्या बात हुई इंस्पेक्टर साहब? तूने जो फोन नंबर दिया था उस पर फोन करके मैंने तेरी छोटी माँ को तेरी सारी करतूत बता दी। शराब पीकर दादागिरी करने चला था है?
अच्छा बोल, और कौन कौन था तेरे साथ? चुप क्यों है? उनका नाम बता। चल। किसी की कोई गलती नहीं इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ मैंने ही किया था। तो मतलब कि तू उनका लीडर, तू उनका लीडर, सरदार, बता, उन लड़कों के नाम बता। पूरी रात यहाँ रहेगा ना तो सारी दादागिरी निकल जाएगी। बोल, उन लड़कों के नाम बोल। मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त। नाम बता उनके। बंटी, नितिन और वीरू। जिस लड़की को तुमने मारा है ना, वो बहुत सीरियस। अगर उसे होश नहीं आया तो बेटे सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। बहू ऋषि ने किया क्या है? बाबूजी, उसने किसी लड़के को मारा है, पुलिस वहां पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। और वो गया कब था? वो तो शाम से ही घर से निकल गया था। ओ, कमाल करते हो तुम लोग भी। लड़का शाम से गायब है और किसी ने मुझे बताने की जरूरत ही नहीं समझी। बाबूजी, जब ऋषि घर से गया था तो वो गुस्से में था। मैंने सोचा कि उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसा कुछ कर बैठेगा। कर बैठा ना, अब भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। कल सुबह तक हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। आज तक हमारे खानदान में हमारे किसी बच्चे को पुलिस पकड़ कर नहीं ले गई।